कर्मयोग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है, कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है।